स्वागत है आपका फाइन लर्निंग के ऊपर। आज हम यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंडिया के कौन कौन से प्लेयर्स ने गोल्ड मेडल जीता है, उनके जो नाम और उनका स्पोर्ट्स, उनका इवेंट क्या था, ये सब हम यहाँ आज जानने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेडल जो भारत के लिए आया था वो लाई थी मीराबाई चानू, ये उनका फोटो है। वेट लिफ्टिंग में वो लाई थी और वुमेन्स के 49 केजी कैटेगरी में उन्होंने गोल्ड लाया था। तो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग वुमेन्स 49 केजी गोल्ड मेडल। उसके बाद सेकंड मेडल जर्मी लाल रिनुंग वेट लिफ्टिंग मेन्स 67 केजी गोल्ड। जर्मी लाल रिनुंग और ये काफ़ी फेमस हुए हैं, इनका उम्र बहुत कम है, मात्र 19 साल। जर्मी लाल रिनुंग वेट लिफ्टिंग मेन 67 केजी गोल्ड, ये इनका फोटो है आपके सामने। उसके बाद अंचिता शिवली वेट लिफ्टिंग मेन्स 37 केजी, सॉरी अंचित शिवली हैं, ये मेल हैं, अंचित शिवली वेट लिफ्टिंग मेन्स 37 केजी। उसके बाद इंडियाज लॉन बॉल वुमेन्स टीम, इन्होंने तो कमाल कर दिया, बहुत ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं, अपने दम पे ये औरतें वहाँ गई, अपने दम पे इन्होंने इवेंट की तैयारी की और ये ऐसा गेम जिसको भारत में बहुत लोग जानते भी नहीं थे, बहुत अधिकांश लोग जानते नहीं थे, उसमें इंडिया के गोल्ड लाइन। चार औरतों ने मिलकर ये गेम को खेला, फोर लोगों का होता है टीम, तो इंडियाज लॉन बॉल वुमेन्स टीम, ये इनके फोटो हैं आप देख सकते हैं, इन्होंने भारत के लिए गोल्ड लाया। उसके बाद मेन्स टेबल टीटी टीम यानी टेबल टेनिस टीम, इसने भी गोल्ड लाया है, मेन्स टीम ऑब्वियसली टेबल टेनिस। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, तो वो हैं सुधीर जी पैरा पावर लिफ्टिंग में मेन्स हैवी वेट, और इन्होंने भी भारत के लिए गोल्ड लाया है। उसके बाद बात करते हैं हम बजरंग पुनिया की रेसलिंग मेन 65 केजी कैटेगरी गोल्ड। बजरंग पुनिया रेसलिंग यानी कुश्ती, सुधीर कुमार जी जो थे वो पैरा वेट लिफ्टिंग यानी वो सीधे खड़े होकर नहीं वेट उठा रहे थे, वो झुके हुए रहते थे, वो उनको लेटना पड़ता था और फिर वो उस तरह से वेट उठाते थे, ये आप इमेज देख सकते हैं। उसके बाद बजरंग पुनिया थे रेसलिंग कुश्ती में मेन 65 केजी कैटेगरी गोल्ड मेडल। उसके बाद साक्षी मलिक अगेन रेसलिंग यानी कुश्ती वुमेन 62 केजी कैटेगरी, वुमेन 62 केजी कैटेगरी साक्षी मलिक। उसके बाद दीपक पुनिया रेसलिंग, दीपक पुनिया अगेन इन रेसलिंग यानी कुश्ती मेन्स 86 केजी कैटेगरी। उसके बाद विनेश फोगाट अगेन इन रेसलिंग, भारत ने रेसलिंग में कमाल कर दिया, विनेश फोगाट रेसलिंग वुमेन्स 53 केजी कैटेगरी, विनेश फोगाट रेसलिंग वुमेन्स 53 केजी कैटेगरी। उसके बाद नवीन, इन्होंने भी रेसलिंग में भारत को गोल्ड दिलाया, मेन्स फ्री स्टाइल 74 केजी कैटेगरी, ये फ्री स्टाइल था, ध्यान रखिएगा ये फ्री स्टाइल है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि ये फ्री स्टाइल की बात हो रहा है, तो एक खास तरह का है कुश्ती का, थोड़ा फ्री स्टाइल ओपन होता है थोड़ा, तो रेसलिंग में ही कुश्ती में ही पर फ्री स्टाइल मेन्स 74 केजी कौन, नवीन जी। उसके बाद भवीना पटेल अगेन टेबल टेनिस वुमेन सिंगल क्लास, टेबल टेनिस वुमेन सिंगल क्लास गोल्ड मेडल। और उसके बाद अगर आप देखें तो रवि कुमार दहिया रेसलिंग मेन्स 57 केजी कैटेगरी गोल्ड मेडल। उसके बाद नीतू घनघस बॉक्सिंग वुमेन्स 48 केजी कैटेगरी। उसके बाद एल्ड हाउस पॉल एथलेटिक्स मेन्स ट्रिपल जंप, ये भी भारत में रिकॉर्ड, पहली बार किसी ने इस इवेंट में गोल्ड लाया है भारत के लिए। उसके बाद अमित पनघर बॉक्सिंग मेन्स 57 केजी कैटेगरी, तो ये कुछ और मेडल्स हुए जो भारत के लिए इस गोल्ड के तौर पे भारत के लिए आया। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद निखत जरीन एक बार फिर से इंडिया की गोल्डन गर्ल बॉक्सिंग वुमेन्स 50 केजी कैटेगरी, निखत जरीन बॉक्सिंग वुमेन्स 50 केजी कैटेगरी। उसके बाद टेबल टेनिस मिक्स टीम, और ये है मिक्स टीम डबल्स यानी मिक्स टीम वाले को डबल्स के तौर पे कहते हैं, तो टेबल टेनिस टीम भी भारत का गोल्ड लेकर आया मिक्स में, सिंगल में भी लाया था और मिक्स में। पीवी सिंधु बैडमिंटन वुमेन सिंगल्स में पीवी सिंधु बैडमिंटन में यहाँ गोल्ड लेकर आए भारत में, लक्ष्य सेन बैडमिंटन में मेन सिंगल्स और एक और गोल्ड। तो ये और हमारे कुछ गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, और नीचे अगर हम जाते हैं तो यहाँ देखिए सहार्थ काम मेन सिंगल में गोल्ड, और अगेन ये भी है टेबल टेनिस में भारत ने इस बार गजब का प्रदर्शन किया है, और यहाँ एक और गोल्ड आप देखिए। उसके बाद मेन्स डबल बैडमिंटन में भी कमाल कर दिया भारत ने, यहाँ भी मेन्स का गोल्ड लेकर आया भारत, तो भारत के लिए गोल्डन पल रहा, बहुत अच्छा खेला, बहुत से इवेंट
शूटिंग और आर्चरी तो हो नहीं पाया, वो भारत में होने वाला था पर कोरोना के कारण हो नहीं पाया, फिर भी हमारा बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहा। और अगर आप ओवरऑल मेडल्स का देखना चाहें तो ये रहा, आप यहाँ पे ओवरऑल मेडल्स इंडिया के देख सकते हैं। वेट लिफ्टिंग में हम 3 गोल्ड 3 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज टोटल 10, इसको जूम करके भी देखें तो, अगर जूडो में 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज और टोटल 3 मेडल्स, तो इस तरह से हम अच्छे खासे इवेंट में मेडल लाए हैं। उसके बाद लॉन बॉल में हम 1 गोल्ड भी लाए हैं, 1 जो सिल्वर है। मेन जो होते हैं वो सिल्वर जीत पाने में सफल हुए, तो इस तरह से यहाँ भी हमारा 1 मेडल आया और टोटल 2 मेडल्स आए लॉन बॉल के थ्रू। टेबल टेनिस में 3 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज टोटल 5 मेडल। बैडमिंटन 3 गोल्ड 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज टोटल 6 मेडल। स्क्वाश में हमने 2 ब्रॉन्ज लाया है, 2 मेडल। पैरालिफ्टिंग में 1 गोल्ड आया है एंड दैट इज द ओनली मेडल इन पैरालिफ्टिंग। उसके बाद पैरालिफ्टिंग के बाद एथलेटिक्स में भी हमारा 1 गोल्ड रहा, 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज टोटल 8 मेडल। रेसलिंग में 6 गोल्ड भाई साहब, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज 12 मेडल टोटल रेसलिंग से हमने निकाले। बॉक्सिंग में 3 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज टोटल 7 मेडल। पैरा टेबल पैरा टीटी में हमने 1 गोल्ड 0 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज टोटल 2 मेडल। हॉकी में 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेंस का रहा सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज रहा वुमेन्स के द्वारा टोटल 2 मेडल। क्रिकेट में सिल्वर लेकर आए 1 मेडल। टोटल में हम देखें तो 22 गोल्ड 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज विद 61 मेडल्स इन ऑल हमने इस साल इस गेम को फिनिश किया। अगर आप आपके लिए ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स इन सबों के लिहाज से, आप सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे भी और कंटेंट हम लेकर आते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर करें।